इसने हिल नारी संस्थान द्वारा एक निःशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पूर्वी राजेंद्र नगर में किया गया, जिसमें डॉक्टर अंजू श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रियंका पाठक, डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव ने आसपास के महिलाओं और लड़कियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें दवाओं के साथ पौष्टिक आहार भी दिया गया, जिससे वे अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकें। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष पुष्पा वर्मा, सीमा पांडे, वंदना सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। स्वास्थ्य शिविर के संपन्न में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर अंजू श्रीवास्तव और संस्थान के अध्यक्ष पुष्पा वर्मा ने बताया। कोई बीमारी आप कह रही नहीं है, जिस डॉक्टर को बता रही है वहाँ जाकर दिखाइए। नाम बताओ। ज़्यादातर तो जनरल वीकनेस वाले पेशेंट हम लोग को ज़्यादा मिले, और ख़ास तौर से हड्डियों की परेशानियाँ, वीकनेस, हड्डियों की कमज़ोरी, ऑस्टियोपोरोसिस और इस टाइप के पेशेंट ज़्यादा मिले। कुछ मरीज गैस और पेट के भी थे, और दो चार मरीज गर्भवती स्त्रियाँ भी थीं, उनको उचित कैल्शियम, आयरन और उचित सलाह दी गई है। उम्मीद करती हूँ कि इस कैंप से सबको फ़ायदा मिलेगा, मरीज़ों को, और इसके साथ ही साथ सदस्यों में भी जिन लोगों को आवश्यकता थी कंसल्टेशन की, उनको भी देखा गया है और उचित सलाह दी गई है। घरेलू उपचार, खान पान समय से होना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात हम लोग पूरे घर का ख्याल रख लेते हैं औरतें, अपने ऊपर ध्यान सबसे बाद में जाता है, और जब तक जाता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि शुरू से ही परिवार के साथ साथ अपनी हेल्थ की केयर भी हर औरत को खुद करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपने बीमार पड़ने के बाद एक गिलास पानी नहीं मिलता है, फिर बहुत परेशानियाँ हैं। और ग्रामीण अंचल जो है ये लोग एक तो नियमित रूप से कभी इलाज के लिए या किसी जांच के लिए जा ही नहीं पाती हैं, मतलब गांव से जो पेशेंट हम लोगों तक पहुंचती है, मान के चलिए कि वो उसने कम से कम महीनों झेली होगी परेशानी, तब वो हम लोगों तक पहुँच पाती है। उस समय स्टेज बढ़ जाती है, बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, तब दिक्कत होती है। तो मैं एक बात यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा जल्दी अगर आप किसी परेशानी के लिए जल्दी अगर कंसल्ट करेंगे तो उसमें रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। ऐसा शिविर केवल महिलाओं के लिए लगाया गया है। ये क्षेत्र जहाँ पे ये शिविर लगाया गया है ज़्यादातर पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं, जिनके अंदर स्वच्छता की जागरूकता कम है, तो उन लोगों को स्वच्छता के लिए बताने के लिए और उनका चेकअप करा के अगर उनमें कोई कमी है, उनको आयरन, विटामिन, इन सब की गोलियां भी यहाँ पे वितरित की गई हैं। चार चार डॉक्टर्स इसमें सहयोग कर रही हैं, डॉक्टर किरण श्रीवास्तव, डॉक्टर अंजू श्रीवास्तव सौम्या हॉस्पिटल, डॉक्टर प्रियंका पाठक शतायु हॉस्पिटल और डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव श्रद्धा हॉस्पिटल। इन चार डॉक्टरों के सौजन्य से ये शिविर लगाया गया है, महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए। और जो जनरल बीमारियां हैं महिलाओं की, उससे कैसे बच सकते हैं, खान पान में सुधार करके और स्वच्छता को अपना कर कैसे उसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में उनको जागरूक भी किया गया है, और उनका चेकअप करके उनमें अगर कोई कमी मिली है तो उन्हें जो दवाएं डॉक्टरों ने लिखा है वो यहाँ से वितरित भी किया गया है। सफाई के लिए उनको डिटॉल सोप और सैनिटरी पैड, और इसके अलावा ओरल ओआरएस का पैक भी यहाँ से वितरित किया गया है, ग्लूकोन डी भी उन्हें दिया गया है।